हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज मार्केटिंग के बारे में। अब ये मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज मार्केटिंग की होनी चाहिए। ओके सो फ्रेंड्स, मार्केटिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की पूरी सीरीज शुरू करी है फ्री में, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंतर्गत आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, बट लेकिन अगर आपको फ्री में सीखना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। सो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, सो दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। सो यहाँ पे मैं जैसे कि मेंशन किया है, जनरली वी थिंक मार्केटिंग मींस एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन। ओके, जनरली क्या है कि जब हम सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन, बट ऐसा नहीं है। मार्केटिंग इज अ यूज बाय कंपनीज टू कम्युनिकेट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केटिंग जो है वो कंपनियां यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोगों को बताने के लिए। ओके दोस्तों, तो अभी आपका मतलब समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि खाली आपने ऐड चलाना है, लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है, सेल करना है, सेल करना है, तो ये कुछ नहीं होता मार्केटिंग का। ठीक है, मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस अभी इसके अंदर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। और जैसे कि यहाँ पे आप देख भी चुके हैं, मार्केटिंग इज यूज बाई कंपनीज टू कम्युनिकेट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑल्सो। मतलब कि कंपनियां जो अपना मार्केटिंग करती हैं वो कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए करती हैं। अब आप बहुत बड़े एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम इसके अंदर बात भी करेंगे कि क्या बेनिफिट होता है, एग्जाम्पल होता है कि मार्केटिंग का किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और क्या अगर मार्केटिंग के बेनिफिट्स है वो, उसके लिए भी हम बात करेंगे आगे। बट जैसा कि अभी आपने एक सिंपल वे में देख लिया कि कम्युनिकेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए, लोगों से उसकी राय लेने के लिए भी हम मार्केटिंग का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो मार्केटिंग का मतलब तो ये था। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है कि बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, मार्केटिंग के तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं। अगर आप काउंट करोगे तो आपके मतलब अगर आपने मार्केटिंग शुरू कर दी तो बहुत सारे बेनिफिट्स शुरू हो जाते हैं। बट लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आप अपने मार्केटिंग से अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को और ज्यादा कस्टमर तक बेच सकते हो, नए कस्टमर अक्वायर कर सकते हो और उनको अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच सकते हो मार्केटिंग से। ओके दोस्तों, एंड जो सेकंड टिप्स आती है वो स्केल योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को किसी भी लेवल तक ऊपर ले जा सकते हो, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं। सो तीसरा दोस्तों, क्रिएटिंग जॉब्स। अब आप इसके अंदर अपने जब आपकी कंपनी बड़ी होगी, बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आप इससे क्या है कि जो जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट, आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, मतलब कि आप उनको जॉब प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये तो बहुत अच्छा होता है लोगों के लिए कि आप जॉब भी दे रहे हो, प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, सर्विसेज भी बेच रहे हो और आपका खुद का भी बेनिफिट हो रहा है, आप पैसे ही पैसे कमाए जा रहे हो। ओके सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके अंदर। आप इसके अंदर देखिए, मैंने चौथा पॉइंट भी मेंशन किया है कि बीट योर कॉम्पिटिटर्स। अगर आप भी एक ही प्रोडक्ट के अंदर है, जैसे कि अभी मैं एक लाइव आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप उसके थ्रू कैसे आप अपने कंप्यूटर को मतलब वो बंदा है जो कंपनी है उन्होंने बीट किया मार्केटिंग से। अभी आपको एक लाइव एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आपके साथ। और जो पांचवा मेथड है वो है पीपल का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है जब आप मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि आपकी मार्केटिंग से ही लोगों को पता चलता है कि हाँ ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज बेचती है। अब जैसे कि जियो की बात कर लो, जियो क्या करता है, सिम बेचता है। अब जियो मार्ट आ गया, जियो की कितनी सारी सर्विसेज आ गई, ये सारा कुछ एक ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है लोगों के ऊपर जब आप मार्केटिंग करते हैं। ओके, अब जो छठा लास्ट पॉइंट आता है वो मेरी तरफ से वो ये है कि रिसर्च एंड एनालाइज एंड अप्लाई। आप अपने प्रोडक्ट को जब लोगों तक भेजते हो तब उनसे रिव्यू कर सकते हो, उनसे एनालाइज कर सकते हो, उनका डाटा ले सकते हो कि आप उनको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या और इसके अंदर नई टेस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब उसको अप्लाई करो लोगों को, उनको बोलो टेस्ट करो, बताओ, रिव्यूज दो, तब आपका जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है लोगों के, लोगों जो जो लोगों को चाहिए वो ही एकदम मतलब प्रोडक्ट बन के आता है। तो फिर इतना अच्छा आपको यहाँ से बेनिफिट होता है मार्केटिंग से, ये हर कोई भी जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर आप रिसर्च करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है कि किस टाइप के प्रोडक्ट को लोग डिमांड में करते हैं और आप किस तरीके के प्रोडक्ट आप और इस टाइप के प्रोडक्ट और भी लॉन्च कर सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, सो दोस्तों ये होता है बेनिफिट्स डिजिटल मार्केटिंग का, ओनली नॉट डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग का ये बेनिफिट्स होता है। अब दो इसके अंदर मैंने जो एग्जांपल्स बताए हैं बेस्ट ऑफ मार्केटिंग, जिससे कि आप कर सकते हो कि आप अपने बिजनेस को स्केल्स कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए,
एक कंपनी है copyscape.com, एक कंपनी है grammarly.com। ये दोनों ही कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज आती हैं और ये दोनों कंपनी एक दूसरे के मतलब कह सकते हो कॉम्पिटिटर में काम करती हैं। अब इन दोनों कंपनी जो लॉन्च हुई थी वो मैंने गूगल पे रखा हुआ है, इसके अंदर देखिए ये कॉपीस्केप है, ये लॉन्च हुई थी 2004 में इंडिगो द्वारा। ओके 2004 में लॉन्च हुई थी ये कॉपीस्केप, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीस्केप। ओके अब यहाँ पे चलते हैं ग्रामरली की बात करते हैं। ग्रामरली लॉन्च हुआ था जुलाई 2019 में, सॉरी 9 में। सो देखिए आप कितने साल का फर्क है, 5 साल का इसके अंदर गैप है। अब आप यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रामरली को देख लीजिए, 35 मिलियन इसके मंथली विजिट्स हैं, और यहाँ पे आप कॉपी स्केप का देख लीजिए 726K ओनली। तो दोस्तों ये बेनिफिट है, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होता है मार्केटिंग का। अब देखिए दोस्तों कि मैंने ज्यादातर क्या है कि मोस्टली मैंने ज्यादातर ग्रामरली की ही एड देखी है और मैं ग्रामरली टूल का यूज करता हूँ। कैसे यूज करता हूँ, मुझे मार्केटिंग के थ्रू पता चला कि भाई ग्रामरली एक टूल है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्रामर को चेक करती है और आपके डुप्लीकेट कंटेंट जो होता है उनको रिफ्रेश करती है, उनको चेक करती है और बताती है कि कहाँ से कॉपी किया गया है। और जो कॉपी स्केप है ये भी सेम टू सेम ऐसा ही काम करता है, ये भी आपके कंटेंट को बताएगा कहाँ से कॉपी किया गया है कहाँ से नहीं कॉपी किया गया है। तो दोस्तों देख रहे हो आप इनका बेनिफिट, दोनों ही फ्री के टूल्स हैं मार्केटिंग में और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। सो ये बेनिफिट्स होता है मार्केटिंग का। मैंने ज्यादातर जो एड्स देखी है वो गूगल पे और यूट्यूब पे देखी है ग्रामरली का। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ तो वहां पर ग्रामरली की एड आती है, कॉपी स्किप की एड नहीं आती। तो ये सब जो बेनिफिट्स ग्रामरली इतने सारे मिलियन जो व्यूज विजिटर्स लेके जा रहा है, ये अपने मार्केटिंग के थ्रू ही लेके जा रहा है, ये अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है। धीरे धीरे ग्रामरली एक ब्रांड बन चुका है आज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग से पूछोगे ना तो वो दोनों इसी दोनों टूल का नाम लेंगे, लेकिन प्रेफर ज्यादा ग्रामरली को करेंगे क्योंकि ग्रामरली एक अच्छा टूल है और इन्होंने क्या है जो डिजिटल मार्केटर्स है उनके माइंड में ब्रांड क्रिएट कर रखा है कि हाँ ग्रामरली 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 एक बढ़िया बहुत ही बढ़िया टूल है। सो लोग ज्यादातर ग्रामरली को प्रेफर करते हैं। इसी तरीके से अगर आप मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की तो जितने ज्यादा आप मार्केटिंग करते हैं उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बनती है। सो ये बेनिफिट्स होता है मार्केटिंग का। ओके दोस्तों, सो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये मैंने यहाँ से वी स्टार्ट करके जो क्रोम एक्सटेंशन आता है गूगल का, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये वी स्टार्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरे को इनका डाटा मिल जाता है। लाइव डाटा रिफ्रेश करके आप किसी भी साइट का लाइव डाटा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मैं कुछ ही लिमिट होती है चेक करने की, तो मैंने अभी इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके रखा है और आज का ही डेट में स्क्रीनशॉट लेके रखा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कहीं डेट भी मेंशन होगा, सॉरी दोस्तों इनके अंदर डेट नहीं दिख रहा कि कहाँ से कब तक है, बट लेकिन यहाँ पे आप लास्ट डेट देख सकते हैं जनवरी 2021, मतलब कि दिसंबर से पहले यहाँ तक का मंथली विजिट जो है इनका वो इतना है इस महीने के अंदर जनवरी 2021 का। आप यहाँ पे पूरा व्यूज देख सकते हैं मंथली विजिट फॉर लास्ट मंथ। सो दोस्तों आप भी इन दोनों का, आपको अगर आपको डाउट है कुछ भी तो आप खुद भी इन दोनों टूल के बारे में चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं ये जो क्रोम एक्सटेंशन है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं और अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये पूरा टिप्स था व्हाट इज मार्केटिंग के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे तो ये डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज चल रही है बट लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।